जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का रैपिड रिवीजन करेंगे, तो चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का पहला क्वेश्चन क्या है, रानी मछैया एक लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये किस नृत्य से हैं? तो ये किस नृत्य से हैं? उम्मत आर्ट से हैं, जो कर्नाटक का है और ये कोड़वा जनजाति द्वारा किया जाता है। अब यही हम बात करें कुछ अन्य डांस, जैसे लंबाड़ी नृत्य, ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का है, दिमसा आंध्र प्रदेश, गुस्साड़ी तेलंगाना का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? वो तमिलनाडु में है। तो अब हम तमिलनाडु में कुछ अन्य मंदिर देखेंगे जो काफ़ी फेमस हैं, जैसे मीनाक्षी देवी मंदिर कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है और ये किसको डिवोटेड है? ये डिवोटेड पार्वती को है, पांडे शासकों ने बनवाया था, ये काफ़ी पूछा जाता है। और श्री पुरम गोल्डन टेम्पल, ये भी चोल शासक ने बनवाया था। अब हम बात करें जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है, ये राजराज चोल द्वारा बनाया गया था और ये भगवान शिव के लिए फेमस है। अच्छा, अब हम बात करें तमिलनाडु कुछ अन्य डांस, जैसे ऐरावतेश्वर, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। गंगेकोंड चोलपुरम, ये भी कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में, कृष्ण बनवाया था, राजेंद्र चोल फर्स्ट ने बनवाया था। तट मंदिर विष्णु भगवान के लिए है। पहला हरित गृह पुरातत्व स्थल, मतलब ग्रीन हाउस आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। अब हम बात करते हैं कुछ आंध्र प्रदेश के टेम्पल, जैसे लेपाक्षी टेम्पल और महेबिलम टेम्पल, केरला के सबरीमाला टेम्पल और पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। अब देखिए, जो सबरीमाला टेम्पल है ये भगवान अयप्पन को डिवोटेड है। अब हम बात करते हैं कर्नाटक के, कर्नाटक कौन सा? वीरूपाक्ष टेम्पल और हजारा राम मंदिर टेम्पल। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कौन कथक केंद्र के निर्देशक थे और उन्होंने कलाश्रम, क्या है कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया? तो देखिए, जो कलाश्रम विद्यालय है ये किसने शुरू किया था? पंडित बिरजू महाराज ने शुरू किया था। तो देखिए, पंडित बिरजू महाराज किससे रिलेटेड है? तो पंडित बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड है और ये बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड भी इनको मिला था। कब मिला था? 2016 में। किसके लिए मिला था? बाजीराव मस्तानी के लिए इनको मिला था। अब हम बात करते हैं कथक से रिलेटेड और कौन कौन से कलाकार हैं, जैसे पंडित शंभू महाराज, ये भी किससे? कथक से। और पंडित उच्छन महाराज, ये भी किससे? कथक से। और पंडित लच्छू महाराज, ये भी किससे? कथक से। अब कथक है कहाँ का? कथक यूपी का है। अब हम बात करते हैं कि जो पंडित लच्छू महाराज हैं, इनका एक अन्य नाम भी है, क्या? बिजनौद, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, माई स्टोरी ऑटोग्राफी है किसकी है? कमला दास की है। अब देखिए, कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफी वो क्या है? माई स्टोरी। और इनकी एक अन्य बुक भी है, क्या? जैसे अंतकथा, इनर स्टोरी, ये भी किससे रिलेटेड है? ये भी कमला दास से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं अमृता प्रीतम की। देखिए, अमृता प्रीतम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इन्होंने कई सारी बुक लिखी हैं और ये पूछी भी जाती है, जैसे पिंजर, ये पिंजर किसकी है? ये भी अमृता प्रीतम की है। दूसरी कोरे कागज़ और कागज़ थे कैनवास, ये तीनों बुक किसकी हैं? ये तीनों बुक अमृता प्रीतम की है। अब हम बात करते हैं आशा पूड़ा दास, इनकी ये पहली महिला हैं जिनको 1976 में ज्ञानपीठ मिला। किस भाषा के लिए? बांग्ला भाषा के लिए। इन्होंने रचना कौन सी की है? इनकी रचनाएँ प्रथम प्रतिश्रुति, कौन सी है? प्रथम प्रतिश्रुति है, काफ़ी पूछी भी जाती है। अब मैं यही आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको हमारे इस पीडीएफ की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे बायो में दे रखा है। तो वहाँ जुड़ के आप जितने पिछले 22 जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं उनको आप पीडीएफ ले सकते हैं और प्रिंट करा के आप अपने रिवीजन के लिए अपने साथ रख सकते हैं। और अगर ये हमारी आपको सीरीज अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए और वीडियो बना सकें। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण, ये बुक किसकी है? तो ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए, आने वाले एग्जाम में हर एक में पूछी जा सकती है। कौन सी? सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण, ये बुक किसकी? देवदत्त पटनायक की है। अब देखिए, देवदत्त पटनायक की अन्य कौन कौन सी बुक है? जैसे माई गीता, जया, मिथ, सती सावित्री, ये इन्होंने 2024 में लिखी है, ये भी पूछी जा सकती है। द प्रेग्नेंट किंग,
सेवन सीक्रेट ऑफ विष्णु और सेवन सीक्रेट ऑफ शिवा, ये सभी बुक किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये सभी बुक देवदत्त पटनायक के द्वारा लिखी गई हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, जैसे अमीश त्रिपाठी की रचना कौन कौन सी है? तो अमीश त्रिपाठी की रचना कौन सी है? मेलुहा के मृत्युंजय, जो इमोर्टल ऑफ मेलुहा, द ओथ ऑफ वायुपुत्रा, लीगेंड ऑफ सुहेलदेव और सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला। देखिए आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बताऊं, सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला ये किसकी? अमीश त्रिपाठी की है। और सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ रामायण ये किसकी है? देवदत्त पटनायक की, याद रखना। चलो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के संगीत निर्देशक कौन थे? तो उसके संगीत निर्देशक कौन थे? सी रामचंद्र थे। और ये जो गाना है ए मेरे वतन के लोगों, कब गाया गया था? 1962 का जो चीन के साथ युद्ध हुआ था उसके बाद गाया गया था। पंडित नेहरू के सामने गाया था। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कवि प्रदीप हैं। कौन है? कवि प्रदीप हैं। अब हम बात करते हैं लता मंगेशकर। देखिए लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला था। और देखिए अन्य गाने कौन कौन से हैं जो काफ़ी फेमस हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, जैसे है प्रीत जहाँ की रीत सदा, ये गायक किसका है? इसके गायक कौन थे? महेंद्र कपूर थे। अब हम बात करते हैं माँ तुझे सलाम, ये किसने गाया? ये ए आर रहमान ने। कर चले हम फिदा, ये मोहम्मद रफ़ी ने। दे दी हमें आज़ादी, ये किसका है? आशा भोसले का है। मेरे देश की धरती, ये किसका है? महेंद्र कपूर का है। संदेश से आते हैं, ये किसका है? सोनू निगम का है। तेरी मिट्टी में मिल जाएगा, ये किसका है? बी पराग, जो आपने इनके कई सारे गाने भी सुने होंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कोडाक नृत्य महोत्सव KDF 1986 में हर वर्ष के बीच कोडार्क में आयोजित किया जाता है। तो देखिए ये आयोजित कब किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है 1 और 5 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। अब देखिए कोडार्क में कोडार्क सूर्य मंदिर में मनाया जाता है। और ये है कहाँ पर? ओडिशा में है। अब मैं बात करूँ कोडार्क नृत्य महोत्सव, इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत गंगाधर प्रधान ने की थी। सभी शास्त्रीय नृत्यां प्रदर्शित होते हैं और इसके बाद यहीं पर इंटरनेशनल रेत कला महोत्सव भी यही होता है। इसको मतलब इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल भी यही होता है। अब मैं आपसे बात करूं 1 से 10 दिसंबर के बीच कौन सा ऐसा नृत्य है जो 10 दिन चलता है और ये नागालैंड में मनाया जाता है और नागालैंड की स्थापना के लिए मनाया जाता है और कब से मनाना शुरू किए? 2000 से मनाना शुरू किए। तो वो कौन सा नृत्य है? वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। तो जो नागालैंड से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो आपको याद होना चाहिए, जैसे कब से मनाया जाता है? 2000 से मनाया जाता है। और ये नागालैंड की स्थापना दिवस के लिए मनाया जाता है। कितने दिन चलता है? 10 दिन चलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होने चाहिए। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस कीर्ति सेनन इज ए ट्रेंड डांसर, वो किसकी डांसर है? तो वो किसकी है? कथक डांसर हैं। कौन है? कथक। अब हम बात करते हैं कीर्ति सेनन, इन्हें नेशनल अवार्ड 2023 में कौन सी फिल्म के लिए मिला था? वो मिमी फिल्म के लिए अवार्ड मिला था। अब हम बात करते हैं अन्य, जैसे हेमामालिनी है, वो किस डांस से रिलेटेड थी? वो किस डांस में ट्रेंड थी? तो वो किस में थी? भरतनाट्यम में। और उनकी एक बेटी है जो ईशा देओल, ये किस है? ये ओडिशा के लिए फेमस है। श्रीदेवी भरतनाट्यम, सुधा चंदन भरतनाट्यम। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमन सहरावत किस वर्ग में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो ये कितने बने? Under-23 में बने हैं। अब देखिए अमन सहरावत 2022 में जीता था इन्होंने, क्या एशियन गेम में 2023 में ब्रॉन्ज मेडल भी लेके आए थे यही। और भारतीय पहली महिला जो Under-23 में गोल्ड मेडल जीतने वाली वो कौन है? रीतिका हुड्डा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्विंग से रिलेटेड जो बर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे ब्रीस्ट स्ट्रोक क्या होता है? छाती के बल जब हम पानी पर जोर देते हैं उसे ब्रीस्ट स्ट्रोक कहते हैं। और बैक स्ट्रोक क्या कहते हैं? पीठ के बल जब हम बल देते हैं उसको बैक स्ट्रोक बोलते हैं। फोर स्टाइल हाथ से बल देना फोर स्टाइल होता है, फ्री स्टाइल। अच्छा बटरफ्लाई स्ट्रोक और डॉल्फिन स्ट्रोक, डॉल्फिन किक, ये शब्द भी किससे रिलेटेड हैं? ये शब्द भी स्विंग से रिलेटेड हैं, आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 15 अगस्त 1947 को इंडिया फर्स्ट PM जवाहरलाल नेहरू होस्टेड इंडियन फ्लैग ओवर द रेड फोर्ट इन दिल्ली, वो कहाँ किया था? लाहौर गेट पर किया था, लाल किले के लाहौर की तरफ जो मुँह है वहाँ पर किया था। अब हम बात करते कि यहीं पर
कहाँ पर? रेड फोर्ट पर, जब पहली बार ध्वज फहराया गया था लाहौर गेट पर, वहीं कौन सा वाद्यंत्र बजाया गया था? वो शहनाई बजाया गया था। क्या? शहनाई। और देखिए किसने बजाया था, ये बिस्मिल्लाह खान ने बजाया था। और एक और इम्पोर्टेंट कि आज़ादी के 50 वर्ष बाद भी इन्होंने ही बजाया था, तब तक ये जिंदा थे, इन्हीं को उनका श्रेय जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 में जो फ्लैग क्या कहते हैं अडॉप्ट किया था, वो क्या था? वो ट्राइकलर फ्लैग था विद चक्र सिंबल मेड बाई, मतलब उस पर क्या था, चक्र सिंबल था। अब हम बात करते हैं 1931 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो चल रही थी, कांग्रेस की जो, उसमें क्या था, 1931 में ही कराची अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। अब मैं यही बात करूँ फ्लैग की, जो फ्लैग का रेशियो होता है लेंथ ब्रेथ का, वो कितना होता है? 2:3 होता है। अब मैं आपसे और बात करूँ 1947 में अशोक चक्र झंडे पर, ठीक है, ये राजेंद्र प्रसाद समिति द्वारा किया गया था। और जो इसका निर्माण होता है वो कहाँ होता है? एकमात्र इसका कारखाना है जो जैसे हुगली कर्नाटक कारखाना, जहाँ पर ऑफिशियली झंडे बनते हैं। अब इसको डिज़ाइन किसने किया था? पिंगली वैकैया ने इसको डिज़ाइन किया था। और ये कब स्वीकार किया था? ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। फ्लैग कोड 2002 में आया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC का टेन्योर कितना होता है? तो देखिए अब मैं आप बात करूँ, ये पूरी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है NHRC, इसकी स्थापना कब होती है? 1993 एक्ट से होती है। कब? 12 अक्टूबर 1993 में होती है। अब मैं यही बात करूँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और जो इसका टेन्योर होता है वो 5 वर्ष या 70 वर्ष तक होता है। अब मैं बात करूं इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा थे पहले अध्यक्ष। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं, आपको याद होने चाहिए। अब मैं बात करूं यहीं इसके मेंबर सदस्य, इसमें 13 होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 पूर्णकालिक होते हैं और 7 टेम्प्रेरी मतलब ऑनररी मेंबर होते हैं जो अन्य अन्य देशों से आते हैं। अब मैं बात करूँ NHRC 1991 के पेरिस सिद्धांतों से प्रेरित है। और यहीं UN द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। अब मैं बात करूं, देखिए ये हमने क्या पढ़ा था, NHRC ह्यूमन राइट, क्या था? ह्यूमन राइट, सॉरी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन था। अब मैं बात करूं NHRC, तो वो क्या है? ह्यूमन राइट काउंसिल है। इसकी स्थापना कब होती है? 15 मार्च 2006 में होती है। ये UN जनरल असेंबली ने की थी इसकी स्थापना। अब मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की ओर, सेंटर इन्फॉर्मेशन कमीशन। अब देखिए सेंटर इन्फॉर्मेशन कमीशन की स्थापना कब होती है? 2005 में होती है। कब? ये 2005 के एक्ट के थ्रू आया था। इसमें जो सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 10 टोटल सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं, जिसमें 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जिसमें एक अध्यक्ष होता है बाकी अन्य होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ कार्यकाल, इसका कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष तक होता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। कि और देखिए इसकी किस समिति के, एक समिति के द्वारा सिफारिश की जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष कौन? PM होता है, एक लोकसभा विपक्ष नेता होता है और एक तीसरा जो मेंबर होता है वो कौन होता है? PM द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री होता है। ये सभी चुनकर क्या करते हैं? ये सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के जो अध्यक्ष होता है उसको चुनते हैं। अब मैं बात करूँ प्रेजेंट में केंद्रीय सूचना आयुक्त के कौन है, मतलब प्रेसिडेंट कौन है? तो हीरालाल सामरिया हैं, जो पहले दलित भी हैं। अब मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की ओर, UPSC अपनी एनुअल रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो देखिए UPSC का जो अध्यक्ष होता है उसको चयनता कौन है? उसको चयन करता है प्रेसिडेंट। तो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट को करते हैं। सॉरी यहाँ पर ये गलत लिखा है, क्या है? टू द प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ UPSC, ये पार्ट 14 में आता है और इसमें आर्टिकल 315 से 323, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहीं आपसे इसकी स्थापना कब होती है? 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग द्वारा आया था। संवैधानिक प्रावधान 26 अक्टूबर 1950 को। अब मैं बात करूँ कि मेंबर इन पब्लिक अकाउंट कमेटी, देखिए ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक अकाउंट कमेटी इसकी स्थापना कब होती है? 1921 में होती है, ठीक है। अब क्या था, ये एक स्थायी समिति है, परमानेंट कमीशन है। इसमें जो सदस्य होते हैं वो 22 होते हैं,
जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, लोकसभा विपक्ष का नेता होता है, जो 1967 के प्रावधान से आया है। ठीक है, अब मैं बात करूँ, ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है मॉन्टेग्यू चैलेंज फॉर रिफॉर्म 1919 से प्रेरित है। अब मैं बात करूँ पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका टेन्योर कितना होता है, 1 वर्ष होता है। इसको हम एस्टिमेट कमेटी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टिमेट कमेटी की जुड़वा बहन। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि एस्टिमेट कमेटी क्या होती है, तो देखिए एस्टिमेट कमेटी होती है, ये भी एक परमानेंट कमीशन है। ठीक है, अब इसमें जो इसकी स्थापना है वो 1950 में होती है, इसमें जो सदस्य होते हैं 30 होते हैं। अब इसमें जो सभी मेंबर होते हैं वो कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, और जॉन मथाई की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है, तो वो क्या है, वो है बलबन का मकबरा, वो कहाँ है, महरौली में है। अब मैं बात करूँ भारत का पहला मकबरा कहाँ है, तो वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। ठीक है, अब ये महमूद की याद में बना था, किसकी याद में, महमूद की याद में, इल्तुतमिश का जो पुत्र था उसने बनवाया था। अब मैं बात करूँ ये किसने बनवाया था, ये इल्तुतमिश ने बनवाया था। अब मैं बात करूँ जो इल्तुतमिश है वो गुम्मत कला को जन्म देने वाला भी कौन है, वो भी इल्तुतमिश है। अब मैं बात करूँ आपसे बलबन की, तो देखिए बलबन का जो टाइम पीरियड है वो 1265 से लेके 1286 या 1287 तक कई किताबों में बताया जाता है। तो जैसा आपके पास ऑप्शन हो उस हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। अब देखिए लाहौर रक्त नीति कौन लेके आया था, वो बलबन ही लेके आया था। कब, मेवातियों के खिलाफ लेके आया था। नवरोज उत्सव पारसी उत्सव की शुरुआत किसने की थी, ये इसने बलबन ने ही की थी। गैर इस्लामिक तरीके से दरबार कौन करता था, वो भी बलबन किया करता था। अब देखिए सिजदा पाबोस की शुरुआत किसने की थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिजदा पाबोस की शुरुआत किसने की थी, वो बलबन ने ही की थी। तुर्क चहलगानी को ख़त्म किसने किया था, वो बलबन ने इसको ख़त्म किया था। अब मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था, वो कौन था, इल्तुतमिश था। और देखिए इल्तुतमिश ने ही किसके, तांबे के सिक्के जारी किए थे जिसे हम जीतल कहते थे। अब मैं बात करूँ कि कुतुब मीनार को पूर्ण किसने किया था, कुतुब मीनार जो पूर्ण किसने किया था, वो इल्तुतमिश ने किया था। और इसकी शुरुआत किसने की थी कुतुब मीनार की, वो किसने की थी, ऐबक ने की थी। अब किसकी याद में ये बना है, ये बख्तियार काकी की याद में बना है। अब देखिए जो कुतुब मीनार है इसकी 2 बार मरम्मत हुई है। एक बार मरम्मत कब हुई है, FST फिरोज शाह तुगलक ने की थी 1386 में, जब भूकंप की वजह से हो गया था, टूटी थी। दूसरी बार इसकी जो कब हुई थी इसकी जो मरम्मत, वो सिकंदर लोधी ने की थी। अब मैं बात करूँ इल्तुतमिश, तो देखिए इल्तुतमिश तुर्क चहलगानी का निर्माण किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। और अतारकिन का दरवाज़ा किसने बनवाया था, वो इल्तुतमिश ने। बदायूं में जामा मस्जिद किसने बनवाई, वो भी इल्तुतमिश ने बनवाई। क्योंकि ये राजा बनने से पहले बदायूं का ही गवर्नर था, इसलिए इसने बदायूं में जामा मस्जिद बनवाई। अब मैं बात करूँ एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी है? तो वो इल्तुतमिश ने की थी। अब देखिए जो एकता है इसका मतलब क्या है, जमीन का टुकड़ा होता है। अब मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की ओर। सुल्तान बनने से पहले बनवन हरियाणा में कहां का इक्तदार था, तो कहां का इक्तदार था, हांसी का इक्तदार था। गुलाम वंश के शासक यासुद्दीन बलवन 1265 से 1286 ने 1286 में क्या था, जिल इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी। किसकी, जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। अब देखिए ग्यासुद्दीन बलबन है वो दैवीय सिद्धांतों को समर्थन देने वाला था, और इसी को उलूग खां की उपाधि दी जाती है। अब मैं बात करूँ इसकी अन्य उपाधि ग्यासुद्दीन बलबन की, नयाब ए खुदा और खुदा है बंदगार, ये किसकी है, ये सभी ग्यासुद्दीन बलबन की उपाधि हैं। अब मैं बात करूं, अब जो उलूग खां की जो उपाधि दी थी वो किसने दी, नसरुद्दीन महमूद ने दी थी, जो 1240 से 1265 था। अब यही आपसे पूछा जा सकता है ग्यासुद्दीन बलबन से पहले शासक कौन था, तो वो नसीरुद्दीन महमूद था। इसी का पीएम कौन बना था, नायब मुल्किकात बलबन ही बना था। अब मैं बात करूं गुलाम वंश का अंतिम शासन कौन था, कैमूस था, क्या, कैमूस था। अब मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की। सल्तनत काल में
फवाजिल का अर्थ क्या है? तो वो क्या है, इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को ही हम क्या कहते हैं, फाजिल कहते हैं। अब मैं बात करूँ सल्तनत काल में प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं, वजीर बोलते हैं। विदेश मंत्रालय को रिसातल बोलते हैं। पत्रचार विभाग को ईसा बोलते हैं। रक्षा विभाग को आरज बोलते हैं। न्याय विभाग को काजी बोलते हैं। अब मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन को, हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन वर्ल्ड, तो वो कौन सी, टिटिकारा लेक, जिसकी जो हाइट है 3810 है और बोलिविया के पठार पर ये स्थित है। दुनिया के सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, वो सुपीरियर लेक है, कहाँ है ये, यूएसए में। अब मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की ओर, स्टेट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू फेमस स्टॉर्म काल बैसाखी, कहाँ है, वेस्ट बंगाल और आसाम में। अब देखिए काल बैसाखी का अन्य नाम क्या है, नॉर्वेस्टर भी है, और देखिए ये क्या है, ये हवाएं हैं। अब जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या बोली जाती है, इनको लू बोलते हैं। आम्र वर्षा कहाँ बोलते हैं इसको, केरला और कर्नाटक में बोलते हैं। मंजरी वर्षा जम्मू कश्मीर में बोलते हैं। भारत में आश अमन और बोरो शब्द का संबंध किस फसल से है, आश अमन और बोरो, ये किससे है, ये धान से है, पैड़ी से है। और देखिए ये तीनों कब होती है, इससे पहले अमन होगी, फिर ओश होगी, फिर बोरो होगी। अब बोरो का ही नाम है, स्प्रिंग राइस भी इसको बोलते हैं। अब मैं बात करूँ नेम ऑफ द ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर क्या क्या बोलते हैं, जैसे बेबर, बेबर कहाँ बोलते हैं, एमपी में क्या बोलते हैं इसको, बेबर बोलते हैं। जरा और एरका कहाँ बोलते हैं, साउथ इंडिया में बोलते हैं। कुमारी केरला में, पोंडू आंध्र प्रदेश में, और उड़ीसा में क्या बोलते हैं, उड़ीसा में इसको वीडा और धावी बोलते हैं। अब मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है, वो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब मैं बात करूं रानीगंज जो वेस्ट बंगाल में सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है, क्या सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है, वो रानीगंज है। और छत्तीसगढ़ में और कौन कौन सी कोयला खदानें, सोहनेट की खदानें और झिलमिल की खदानें कहाँ हैं, वो भी हमारी छत्तीसगढ़ में है। अब मैं बात करूं सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है, गिड़हाल जो छरिया झारखंड में है। अब मैं बात करूँ कुछ अन्य खनानें और कहाँ हैं, जैसे सिगरौली की खनानें कहाँ हैं, एमपी में। लावचेर की खनानें ओडिशा में। नजीरा आसाम। नामफुक अरुणाचल प्रदेश। अमरलोंग मेघालय में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRBY की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी, 2016 में हुई थी। और अब मैं बात करता हूँ अन्य योजना, जैसे पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2008 में। आत्मनिर्भर भारत के भारत मिशन 2020 में। पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1907 झारखंड के सांची में हुई है। अब मैं बात करूँ जो टिस्को है, ये किसने की स्थापना की थी इसकी, जमशेद टाटा द्वारा की गया है, कब, 25 अगस्त 1907 को। अब ये बना कब था, 1910 में बन के तैयार हुआ, और इसने उत्पादन कब शुरू किया था, 1911 में। और ये किस स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन गिवन बाय, तो वो किसने की है, मैलथस ने दी है। अब मैं बात करता हूँ कि लगान सिद्धांत किसने दिया था, रिकार्डो ने दिया है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, द टर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेशन इज अ रेशियो बिटवीन, तो देखिए जो डिफ्लेशन होता है वो किसका रेशियो होता है, नॉमिनल GDP और रियल GDP का होता है। अब मैं बात करूँ कि डिफ्लेशन निकालते कैसे, तो डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन होता है नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इनटू 100 होता है। तो जो नॉमिनल GDP होते हैं वो क्या होता है, वर्तमान कीमत पर जो प्राइस होती है उसको नॉमिनल GDP बोलते हैं, और रियल GDP एक वर्ष में जो स्थिर मूल्यों पर जो मूल्यांकन करते हैं उसको हम रियल GDP बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कॉज ऑफ ईको क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, और जो स्पीड होती है साउंड की वो कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड, ये किसने दिया था, लाप्लास ने दिया था। अब देखिए जो साउंड की जो स्पीड होती है सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड, फिर गैस में होती है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, पिच ऑफ साउंड डिपेंड, जो पिच है वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और इसको मेजर किस में करते हैं, हार्ट में इसको मेजर करते हैं। अब मैं बात करता हूँ सामान्य बातचीत की ध्वनि कितने में होती है, 30 से 40 डेसिबल के बीच में होती है। अब देखिए साउंड की जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर की। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो 0.6 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है साउंड की वो बढ़ जाती है। अब मैं बात करता हूँ मेथड
यूज टू टेस्ट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लेदर विद सोप, भारी जल D2O होता है। अब मैं बात करूँ हार्डनेस ऑफ वाटर, तो हार्डनेस ऑफ वाटर दो प्रकार की होती है, एक परमानेंट होती है, एक टेम्प्रेरी होती है। जो टेम्प्रेरी है उसको हम दो तरीके से अलग कर सकते हैं, एक क्लर्क मेथड होता है, दूसरा पानी गर्म करके इसको हम अलग कर सकते हैं, और दूसरा क्या होता है, परमानेंट प्रोसेस होता है, परमानेंट हार्डनेस होता है। इसको हम रिमूव करने के लिए दो लॉ यूज करते हैं, क्या, एक परमुटेटिव प्रोसेस करते हैं, दूसरा केल्विन की विधि का प्रयोग करते हैं। अब मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की ओर, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिक्सचर ऑफ टू कार्बन, क्या, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है। LPG में सल्फर जो होता है वो क्या कहता है, गंध को बताता है। अब मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की ओर, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड, ये किसको मिला है, ये नोवाक डिजोकोविक को मिला है। ये इनकी एक बुक भी है, कितनी, कौन सी है वो, सर्व टू बेन है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि नोवाक जो डिजोकोविक हैं ये किस देश के हैं, तो वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। अब मैं बात करूँ फीमेल में कौन है, एटियाना, जिन्होंने ये कहाँ की हैं, स्पेन की हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं। अब मैं बात करूँ इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, ये कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में ही अपना विद्यालय कार्यक्रम भी शुरुआत किया गया है। ये किस रिवर पर है, सतलुज नदी पर है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, विच कंट्री हैज़ द SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग बीन हेल्ड, वो कहाँ है, कजाकिस्तान में। अब SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 2001 में होती है, और इंडिया और पाकिस्तान इसको 2017 में ज्वाइन करते हैं। अब मैं बात करूँ इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ, बीजिंग में है, और SCO में टोटल मेंबर 9 हैं जिसमें 4 ऑब्जर्वर हैं। इंडिया 2023 में इसका अध्यक्ष रहा था। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, डायरेक्टर अपॉइंटेड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, वो किसे क्या है, सुबोध कुमार को क्या है। अब मैं बात करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, करोल बाग न्यू दिल्ली में है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। सचिव कौन है, राजेश हैं, और जो प्रेजेंट में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, मनसुख मांडविया है। कौन, मनसुख मांडविया है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ नरसिंह यादव, कुश्ती संघ के एथलीट पैनल अध्यक्ष कौन चुना गया है, वो नरसिंह यादव को चुना गया है। तो इससे आपका प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है, और अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए अन्य वीडियो भी बना सकें। जैसे हम नदियाँ याद कर चुके हैं, तो मैं आपको एक चार्ट के थ्रू नदियों का भी प्रैक्टिस कराऊँगा। चलिए, धन्यवाद।